अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स होती क्या हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स बेसिकली वो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो बेसिकली डिप्रेसिव सिम्टम्स को या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को रिड्यूस कर रही होती हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंस होता है उस केमिकल रिएक्शंस को हमारे दिमाग में वो सही कर रही होती हैं। जब हम डिप्रेसिव सिम्टम्स को डायग्नोस करते हैं आफ्टर टेस्टिंग, तो हमारे पास तीन लेवल्स आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट के लिए मेडिसिन नहीं दी जाती, वो सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो सीवियर लेवल होता है उसके लिए मेडिसिन इम्पॉर्टेंट होती है। और हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंस हो रहा होता है इन डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से, वो हमारे मूड को चेंज कर रहा होता है, हमारे बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स उनको सही करती हैं, उस केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस में लेके आती हैं। इसके बाद अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स के मैकेनिज्म की बात करें, तो हमारे दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये हमारे दिमाग के नर्व सेल्स में एक कम्युनिकेशन लिंक फ्राहम कर रहे होते हैं। और जो प्रीवलेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे दिमाग के, वो स्पेसिफिक होते हैं डिप्रेशन के लिए। वो सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन हैं, जिनको नॉन एड्रेनालिन भी बोला जाता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, क्या फंक्शंस जो हैं वो सरंजाम देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो री अपटेक होता है हमारे दिमाग में, एंटी डिप्रेसेंट्स उसको इनहिबिट करते हैं और नर्व्स के लेवल को दिमाग के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, जिसमें हमारे पास SSRI यानी सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन री अपटेक इनहिबिटर और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मोनोम्यून ऑक्साइड इनहिबिटर्स और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स हैं। ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिकली सीरोटोनिन री अपटेक को इनहिबिट करती हैं। ये निस्बतन सेफ होती हैं, इनके कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स की निस्बत, क्योंकि जितनी भी साइकेट्रिक मेडिसन्स हैं, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, साइकोटिक मेडिसन्स हैं या एंजाइटी की, उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स तब दी जाती हैं जब मरीज़ के अंदर डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी की सिम्टम्स भी मौजूद हों। इन मेडिसन्स का मेकनिज़म ये होता है कि ये सीरोटोनिन री अपटेक को इनहिबिट कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करती हैं। इससे डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। अगर एकदम से कोई SSRIs को छोड़ देता है तो उससे डिसकॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम हो सकता है, जिससे मरीज़ को हेडिक होता है, उसको चलने में दुश्वारी पेश आती है, नोज़िया या वोमिटिंग हो सकती है, बेचैनी होती है, उसको थकन महसूस होती है, इंसोमिया होता है और मसल पेन भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर इन एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाए तो इससे हेडिक हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, पसीने आते हैं मरीज़, एंजाइटी होती है, बेचैनी, इरिटेशन होती है मरीज़ को, नोज़िया और वोमिटिंग, हेडिक, मरीज़ को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, वो हर वक्त थका थका सा रहता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, उसके वेट में चेंजेस आती हैं, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और उसकी नींद की रूटीन भी डिस्टर्ब होती है, या तो उसको इंसोमिया हो जाता है या फिर हाइपरसोमिया भी हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।